अमन जी ये लोगी है सर, यहाँ पे लोग सेंटर सर के यहाँ सर 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 सामने लोग सेंटर लोग क्या वन मोर यहाँ पे सेंटर एकदम यह यहाँ पे सेंटर में मैम मैम या लुक समझ समझ या सेंटर लुक वन मोर अब अंदर आ जाइए आप साजन जी बीच में आ जाओ बीच में हूँ हाँ क्या बात है यस अमन जी लोग सर सर लुक है अमन जी यहाँ मैम लुक मैम लुक है यहाँ इसके पास टाइम है जरा एक दो फोटो मेरी ले लेना मेरे कैमरा में राकेश राकेश जी वेलकम बड़ी सवाल लो क्या मैम लुक भूख लग रही है आज अरे या लुक या लुक सेंटर लुक 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 चिंता थोड़ा कौन सा एहसास है मुझे अभी वो तो गेट वक्त ना गलत लोग आ गए आज भी याद है मुझे वो तो मेरा पहला पहला प्यार थी इसका एहसास है मुझे थोड़ा सा पिच ऑफ हो गया था इट्स ऑफ हां ठीक हो ले ओके थोड़ा फ्लैट हो सर रहता था हम कभी एक लड़की के कुछ कुछ लाइन अच्छी
मैं तो कई सालों से उन्हें जानता हूँ और एक मोर देन अ फ्रेंड, दोस्त की तरह हैं, और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि एक नया एसोसिएशन उनके साथ शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि आई विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और गाना अभी हम सुन के बाहर आए हैं, तो सॉन्ग इज़ ब्रिलियंट, जिसने भी गाया है लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, बीट है, मेलेडी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि जब गाना लोगों तक पहुँचेगा, हिट करेगा मार्केट के अंदर, इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। और एक नोन फेस होना कितना बेनिफिशियल होता है, योर नोन पर्सनालिटी इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, जब कोई म्यूजिक वीडियो का पार्ट है, इस पर कितना बेनिफिशियल होता है? डेफिनेटली, बट आई थिंक टुडे नोन फेस होने के बजाय, इफ़ योर मेलेडी इज़ गुड, अगर गाना अच्छा है, भले ही आपके पास नोन फेस ना हो, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जहाँ पे कभी नोन फेसेस नहीं थे, बट द सॉन्ग्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एंड बट द मेलेडी इज़ गुड। वी आर गोइंग टू शूट इट इन अ वेरी लवली फॉर्मैट, आई थिंक जिस जगह पे हम शूट कर रहे हैं, जिस तरह से शूट करेंगे, सो एक बहुत ही रिच फील आने वाला है, गाना बहुत बेहतरीन है, एंड ऑफकोर्स वी हैव टू अमेजिंग एक्टर्स जो साथ में हैं, तो सिर्फ मेरे होने से गाना हिट नहीं होने वाला, इट्स अ कम्प्लीट कम्बाइंड एफर्ट। सर, जब भी कोई एक्टर बनने का सपना देखता है, बहुत ही स्ट्रगल होता है, आपके लाइफ में भी स्ट्रगल होता होगा, चैलेंज होता होगा, उसके बाद वो पहचान मिलती है जी। आज के टाइम में हर चीज़ इंस्टेंट होता है, रील्स बना लीजिए, यूट्यूब पे आप चर्चा रही, क्या करते हैं? आई थिंक ये एक फेज़ है और हर फेज़ का एक टाइम होता है, और जैसे वो टाइम ख़त्म होगा, पीपल विल डेफिनेटली रियलाइज। टुडे मैं जानता हूँ कि इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं, ऐसा है वैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाती हैं, लेकिन वो जो स्ट्रगल करके जो चीज़ें आप सीखते हैं, आपकी जो कला है, आपका जो आर्ट है, आपका जो परफॉर्मेंस है, वो चीज़ सेट पे लोगों के सामने जाकर स्ट्रगल करके उसे सीखना और फिर आके परफॉर्म करना, वो आपको इंस्टाग्राम की रील्स पर कभी मिलेगा नहीं। विच इज़ वेरी सैड कि क्योंकि आपके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आपको कास्ट कर दिया गया है, बट आज होता है, क्या करेंगे आप, एंड जिसकी वजह से लोग फॉलोअर्स को ख़रीदते हैं एंड कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोग आपको फॉलो करें ताकि उससे कनेक्टेड काम आपको मिले। साजन सर इज़ अ वेरी गुड, वेरी नाइस पर्सन, सॉरी, ओके, गॉट इट। तो लाइक व्हेन आई वाज केम फर्स्ट टाइम इन मुंबई, तो लाइक साजन सर से मैं मिली थी एक ऑडिशन के लिए, बट लॉकडाउन के वजह से मैं वापस चली गई, तो अभी मैं जस्ट वापस आई हूँ 3-4 मंथ्स गो, एंड आई जस्ट लाइक साजन सर का कॉल आया कि एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, एंड विल डू लाइक या ओके, बट ही इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी नाइस गाय, लाइक मैं इनको 3-4 साल से जानती हूँ, लॉकडाउन के पहले से, तो मे बी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो एक्सपीरियंस विल बी गुड, या विल रॉक। सर, आपका पता है एसोसिएशन जो है और आपका गाना भी इतना हिट हुआ, तो वो पॉपुलैरिटी कितना बेनिफिशियल रहेगी इस प्रोजेक्ट के लिए? लेट मी टेल यू, वो गाना, उस गाने में मुझे लिया ही इसलिए था क्योंकि मैं पहले से फेमस था, तो ये जो फॉलोअर्स है जो मेहनत से ही एक्चुअली मिलते हैं, किसी को कोई चीज़ मेरे हिसाब से यूं ही नहीं मिल जाती है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों को लगता है कभी कभी, जैसे कि अमन सर का एक पर्सपेक्टिव था, बहुत अच्छा लगा मुझे वो सुन के भी, बट सर आई वुड लाइक टू से इंसान को जो चीज़ें मिलती है उसका मे बी उसने भरपाई पहले कहीं और किया होता, डोंट यू बिलीव दिस, कहाँ पर वो उसकी लाइफ, जैसे कि सपोज इफ आई से मेरे को ये 2 मिलियन मिल गए जो घर पे बैठे मैं कमा रहा हूँ, उसके पहले जो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया जिस वजह से ये चीज़ मिली है, तो दुनिया में किसी को भी आई बिलीव कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं मिलती। नहीं, लेकिन अमन सर जो बोले, जैसा आप बोल रहे हैं, आप भी सही अपनी जगह पे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो डिजर्व करता है उसको ही मिले। नहीं, इनकी एक बात जो सही थी कि फॉलोअर्स देख के किसी को भी ले लेते, ये बात इनकी बहुत सही, क्योंकि बहुत लोग ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनमें कोई भी एग्जैक्टली नहीं है, हाँ, नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो उसके बारे, तो यहाँ पे यही बात है कि इन्होंने ये जो बात कही है कि बिना उस चीज़ के जो उनका टैलेंट है अबाउट द सेम थिंग जो हम करने जा रहे हैं, तो उनके सिर्फ फॉलोअर्स है तो उनको उठा लिया, ये नहीं देख रहे कि उनके अंदर बाकी सारी क्वालिटीज है या नहीं, सिर्फ क्राउड गेन कर रहे हैं। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर इंसान बॉम्बे में एक एक्टर एक अभिनेता बनने आता है, जब वो एक्टर नहीं बन पाता है फिर वो बाकी सारी चीज़ें, चलो ये नहीं तो ये हुआ, ये नहीं तो ये हुआ, दिस इज़ अ फैक्ट। एग्जैक्ट, द मेन थिंग इज़ कि जब आप अकेले खड़े होते हैं कैमरा के सामने, कोई म्यूज़िक नहीं होता है, कोई आपको डायलॉग देने वाला नहीं होता है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग, आपके पास 10 लाइनें होती हैं जो आपके दिमाग में होती हैं,
आपको लाइट लेनी होती है, आपको पोजीशन लेनी होती है, आपको इमोशन दिखाना होता है, आपको पैशन दिखाना होता है, और सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्शन के दायरे में आप करते हैं. हाफ द थिंग्स जो यू नो, आई एम नॉट अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल द रील्स, में पीछे म्यूजिक बज रहा है, यू आर जस्ट इमोटिंग एंड मूविंग, दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. जब आप सही माने में जैसे करते ना, आप नंगे खड़े होते हैं, लाइट होती है, पोजीशन होती है, डायलॉग्स होते हैं, और आपको इमोट करना होता है, प्रोडक्शन का प्रेशर होता है, सूरज नीचे जा रहा होता है, ये सब आप लोग जानते हैं. एंड यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू क्राई, यू हैव टू डांस, यू हैव टू सिंग, एंड एट द सेम टाइम कीप द प्रोड्यूसर हैप्पी. ये सबके बस की बात नहीं. सो थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द हाउस, आज ये एक दौर है, एक फेज है, ये फेज खत्म होगा, रियल जो एक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, वो अपने आप सामने आएंगे. और मतलब 15, 20, 25 चेंज इज ऑलवेज रेलिवेंट, और चेंज हर 7, 8, 10 साल में आएगा ही आएगा. पहले जो चीज़ रेलिवेंट थी आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होगी, तो यू नीड टू बी रेडी. तो जिस तरह वही एक्टर्स या वही परफॉर्मर्स सर्वाइव करते हैं जो समय के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं. बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, अलग अलग चीज़ की, ताकि लोग सरप्राइज हों. वरना आप एक ही चीज़ करते रहेंगे तो पीपल विल गेट बोर्ड. सिंपल. थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू गाइस. एब्सोल्युटली सर, ये जो गाना आपका आ रहा है ये 90s के दौर का है, जिसे अभी हाल फिलहाल पता चला अमीन सर ने कहा था, तो ये किस तरह का एक मेलोडी, किस तरह गाना है, कैसे ख्याल है इस गाने का? देखिए, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है करीब 130 135 करोड़, जिसमें 100 करोड़ के तो दिल टूटे गए हैं जी. तो मैंने उनको ध्यान में रखते ये गाना बनाया कि जब दिल टूटता है तो आदमी को संगीत की ज़रूरत पड़ती है, म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है. तो बस ये वैसे ही म्यूज़िक है, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेगा, कनेक्ट करेगा. ये इमोशन है इसके अंदर, और इमोशन इंडिया में तो इमोशन ही चलता है. और आजकल वैसे भी ओरिजिनल गानों की एक अलग डिमांड ऑफ कोर्स है, म्यूजिक काफ़ी चल रहा है फिलहाल, बूम हो रहा है 90s की तरह. जी, जी, जी. तो वो भी एक शायद एक अच्छी चीज़ ये भी है. हाँ हाँ. मैम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो गाना है, आप इस गाने से कैसे जुड़े, किसने अप्रोच किया, क्या कुछ बताएंगे उस बारे में? मैं सालिन सर को मैं जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो इन्होंने मुझे इस गाने के लिए कास्ट किया. या कुछ और बता सके अगर, या कुछ और बता सकते हैं इसके अलावा? म्यूजिक किस तरीके से लगा आपको? म्यूजिक अच्छा है, और म्यूजिक से भी बेस्ट है स्टोरी. स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, लाइक मुंबई की लाइफ से बहुत कनेक्टिंग है. आप जब स्टोरी लिखेंगे तो इट्स लाइक ट्राइंगल, लव का ट्राइंगल. स्टोरी बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मौसम भी आ चुका है तो बारिश के जो कुछ झलके इस मूवी में, इस मतलब बारिश के झलके तो दिखेंगी जो दिखेंगी, लेकिन हाँ, आंसू जरूर पानी की बारिश की तरह आंखों से निकलेंगे लोगों के. मैम अमन सर के साथ काम करके किस तरह का एक्सपीरियंस था, क्या क्या सीखा? नहीं अभी अभी हुआ नहीं है, काम अच्छा काम करने वाला. हाँ हाँ, काम करने वाला. कितना एक्साइटेड है? गुड, वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा फर्स्ट गाना है, और वो भी अमन सर के साथ और जुबिन शाह के साथ. तो ऑफकोर्स हम लकी कि मेरा फर्स्ट गाना इतना एक्सपीरियंस लोगों के साथ आ रहा है. कुछ बातें हुई सर आपकी भी अमन सर से गानों के बारे में, इस गाने के बारे में? मैं तो क्या ही बताऊँ, आपको बातें हुई नहीं है, जो हुई आप लोगों के सामने ही हुई है, कुछ छुपा नहीं आता. तो आप तो मेरे ख्याल से कुछ कॉन्ट्रोवर्सी जैसी चीज़ें हो गई है थोड़ी बहुत, बट आई बिलीव वो भी एक अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि जो भी हुई है हर किसी का पर्सनल और जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर हुआ है, और मीडिया के सामने हुआ है जो भी हुआ है. और बाकी अबाउट द सॉन्ग, आई वुड लव टू से कि ही इज़ अ वेरी नाइस सिंगर जी, और बहुत अच्छा लगा सॉन्ग सुन के. और जो इसमें 90s का फील है वो डेफिनेटली पूरा एकदम कंप्लीट है, और आई विश कि ये भी एक सुपर हिट हो जैसे दिल तोड़ के था. तो साजन सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? जी हाँ, पहली बार काम करने अच्छा से कर. पहली बार ही हम काम कर रहे हैं वैसे साथ में, लेकिन आई बिलीव कि जानता हूँ मैं इनको बहुत पहले से, द वे ही इज़ अ पर्सन, तो वो एक बहुत ही फेमिलियर टाइप के इंसान है, बहुत समझ ही सकते हैं उनकी बातों से. तो यहाँ पे सिंगर से जाना चाहेंगे भाई, बोल जो है अगर आप गुनगुना दे या बता दें, क्योंकि सर ने काफ़ी हद तक हमें हल्का तो दे दिया है जिस. हाँ प्लीज़ सर, आप गुनगुना दीजिए पहले. वो कहती थी अपना मुझे, मैं अपना उसे कहता था, हाँ कभी
एक लड़की के दिल में मैं रहता था, और सितम उसका यारो हंस के मैं सहता था, और सितम उसका यारो हंस के मैं सहता था। हाँ कभी एक लड़की के दिल में मैं रहता था, हाँ कभी एक लड़की के दिल में मैं रहता था, हाँ कभी एक लड़की के दिल में मैं रहता था, हाँ कभी एक लड़की के दिल में मैं रहता था। कमाल के सर, साधन क्या सही में यार, चॉइस आपकी है मतलब गाने यही तो है अपने पास, और क्या है, एक नंबर एक नंबर। हाँ साजन सर, आपने ये लिरिक्स लिखा था, कौन सी लड़की आप दिल में आती है? दूसरी लड़की कोई मिली नहीं थी, तो फिर मैंने कहा नहीं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के सामने, वो भी याद करेगी ना, रहती तो दिल में वही है। ठीक है, मैं लेता हूँ आप विजुअल, ले लो विजुअल, मैं करो मैम, मैं आप करो आप आप डन डन क्या लुक सेंटर वन मोर यहाँ पे वो मुश्किल है थोड़ा, मेरे लेवल तक आने में बहुत टाइम लगेगा। साजन लुक क्या उम्र है थैंक यू।